हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ M1 क्रेको मॉल। मैं जाऊँगा जेब्लोसी से लेकर M1 क्रेको मॉल तक, और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ट्राम में कैसे सफ़र किया जाता है और क्या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ट्राम में सफ़र करने के। तो चलिए मेरे साथ। मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है कि क्या शूटिंग करना है क्या नहीं। सिंपली मैं वीडियो शूट करूँगा और आपके सामने इसको प्रेजेंट कर दूँगा। दैट्स इट। थैंक यू। चलो मिलते हैं जर्नी में ही। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें टिकट कैसे बाय करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ टच स्क्रीन पे आइए। टच स्क्रीन पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे टिकट ख़रीदने के। तो आप 20 मिनट का टिकट चाहिए तो 20 मिनट का ले सकते हैं, और 1 घंटे का चाहिए तो 1 घंटे का ले सकते हैं। तो अभी मुझे जैसे 20 मिनट का टिकट चाहिए तो मैं 20 मिनट सेलेक्ट करूँगा। ओके, अभी वो पूछेगा नंबर ऑफ टिकट्स कितना चाहिए आपको, तो आप बोल सकते हो जैसे 1 टिकट चाहिए तो 1 ही होगा। तो अभी आप देखोगे इसमें ऑप्शन आ रहा है आपको। अभी ये कार्ड पेमेंट के लिए पूछता है, तो कार्ड पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि इसका कार्ड यहाँ पे स्वाइप करेंगे, और आप देखोगे उधर प्रोसेसिंग हो रहा है टिकट। और हमारा टिकट नीचे आ चुका है ये। तो इस टाइप से यहाँ पे टिकट लेते हैं। अभी आपसे पूछा है कि आपको रिसिप्ट चाहिए, तो आप नहीं भी कर सकते हो। ये अभी मैं जेब्लोसी 35 पे खड़ा हूँ। यहाँ से मुझे M1 के लिए जाना है, तो मैं ट्राम का वेट कर रहा हूँ। जेब्लोसी से आपको वापस यहाँ पे उतरना पड़ता है, एक जगह आपको स्टॉप चेंज करना पड़ता है, और यहाँ से उतरने के बाद आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ता है। लेट्स सी, वी विल गो। मैंने 20 मिनट का टिकट लिया था, और अभी ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट बाद मेरी ट्राम आएगी। तो लेट्स सी अगर हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ टिकट का टाइमिंग का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो हम पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो हम देखेंगे। अभी हम आ गए हैं M1 मॉल के बाहर। ओके, तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये M1 मॉल का मेन गेट है। मार्केट है वो ओचन है, ओचन सुपर मार्केट है यहाँ का। और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पेप्को है आपका, मीडिया मार्केट है, बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं अब इस मार्केट के। Thank you.
अभी आप मॉल वगैरह कहीं पर भी आओगे तो आपको मास्क वगैरह मैंडेटरी है, तो वो आपको लगाना ही है। Now we are going to biggest market, supermarket. यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी ट्रोलियाँ होती है जिसमें आप अपना बास्केट रख सकते हो। अगर यहाँ आपको इंडियन ग्रोसरी चाहिए तो वो भी मिल जाती है। जैसे आप देखोगे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के आइटम रखे हुए हैं, जैसे ये है चाइना का, दिस इज मलेको कोको स्वी, दैट मीन्स कोकोनट मिल्क। हियर यू कैन सी दैट कुचीना इंडिस का, दैट मीन्स इट्स अ इंडियन कॉन्टिनेंटल थिंग्स यू विल फाइंड हियर। यहाँ पे आपको बहुत सारे पिकल्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे चटनी मिल जाएंगे, जैसे ये आप देख सकते हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, जैसे दिल्ली दाल, कुचीना अफ्रीका, दैट मीन्स इट्स अफ्रीकन थिंग, कुचीना टर्किशा, दैट मीन्स इट्स टर्की। सो आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारी टाइप की नमकीन भी मिलती थी, लेकिन आई डोंट नो क्यों अभी इन्होंने हटा दिया है सेक्शन। Thank you.
तो अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, जहां तक नजर जाती है पूरा मार्केट ही दिखेगा आपको। अभी हमारा शॉपिंग तो हो गया है, लेकिन अब हम जाएंगे मैकडी। और मैकडी में अभी यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है, मैं आपको ऑर्डर करके बताता हूँ कैसे ऑर्डर करते हैं। अभी वेज फूड ऑर्डर, अभी इसमें वेज फूड ऑप्शन भी आ गया है, जैसे वेज बर्गर है, उसके अलावा आप मिल्क शेक वगैरह ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसका ऑर्डर करते हैं। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे प्ले एरिया भी बने हुए हैं बच्चों के लिए। ये यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की ट्रॉलीज होती है, ये ट्रॉली आप यहाँ से रेंट काउट कर सकते हैं, जैसे कि 5 PLN पर ट्रॉली है। सो अगर आप 5 PLN पे कर दें तो आप इस ट्रॉली को यूज़ कर सकते हैं, बच्चे इसमें आराम से बैठ जाते हैं। अभी हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड पे, इसका जो कियोस्क लगा है, कियोस्क पे जाके मैं ऑर्डर करूँगा और मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑर्डर होता है। करना पड़ेगा। नॉर्मली आप जब भी यहाँ वेजिटेरियन ऑर्डर करते हैं तो वेजिटेरियन नॉर्मली ये लोग रेडी नहीं रखते, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो हो सकता है वेजिटेरियन ऑर्डर में आपको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगे, जैसे अभी मुझे वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया है ऑलरेडी। तो आप देखोगे अभी मेरा ऑर्डर रेडी है, 96 आ गया, मैं जाता हूँ लेने। जा रहे हैं घर की तरफ। ये पूरा जो है इधर, ये पार्किंग एरिया है मेरे पीछे, आप देखोगे ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ का M1 का। अब इसके सामने ही क्या है, एक गार्डन भी है। अगर आप घूमने आते हो तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो और वहाँ घूमने भी जा सकते हो, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने का स्टेशन है ये, चलते हैं। अभी यहाँ से दो ऑप्शन हैं हमारे पास जाने के लिए, एक ट्राम है, एक हमारे पास ऑप्शन है टैक्सी का, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है बाई वॉक। अगर कोई आसपास रहता है तो उनको बाई वॉक वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना चाहिए, उनको मैं बाई वॉक की सजेस्ट करूँगा। एकदम रेड कलर का इसका ही है। यहाँ पे जब नॉर्दर्न लाइट्स होती है तो वहाँ तो आपको बहुत टाइप के कलर दिखते हैं, लेकिन नॉर्दर्न लाइट मोस्टली स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड उस तरफ ज़्यादा होती है। ओके, अभी मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन अभी यहाँ देखता हूँ तो टिकट मशीन नहीं है और मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा टिकट भी नहीं है। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ता है, मोबाइल में एक हमारा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन में जाके ऑप्शन रहता है हमें टिकट बाय करने का, और उसका काउंटर जो है वो एग्जैक्टली 20 मिनट हो जाता है। जैसे आपने 4 PLN का टिकट लिया तो उसके लिए 20 मिनट का काउंटर हो जाता है, तो वो 20 मिनट तक आपका वैलिड रहता है।
अब बस उसमें दिक्कत यही है कि अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या तो आपको वापस से मॉल में जाना पड़ेगा, टैक्सी बुक करनी पड़ेगी उनका वाईफाई यूज़ करके, और फिर घर जा सकते हो। इसमें ये जो येलो बॉक्स आपको दिख रहा है ये एक्चुअली टिकट पंचिंग बॉक्स है। जैसे ही आप ट्राम में चढ़ते हैं आपको अपना टिकट यहाँ पंच करना पड़ता है उसको वैलिड करने के लिए। जर्नी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ाता है, आते समय भी हमें वैसे ही करना पड़ता है। रोंडो गेग्रोस्की करके एक सेंटर सर्कल है यहाँ पे, तो वहाँ आके मुझे वापस से अपने रूट के लिए दूसरी ट्राम पकड़नी पड़ती है। तो उसी तरीके से है यहाँ पे, मैं आपको बैक बताता हूँ पूरा। ये देखो ये बड़ा सर्कल है, ट्राम आई नहीं है। मेरे पास 5 मिनट और हैं टिकट के, अगर 5 मिनट में ट्राम आ जाती है दैट मीन्स मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। टोटल 5 मिनट है विद जर्नी, सो दैट इसका मतलब ये होगा कि 4 मिनट में ट्राम आनी चाहिए और 1 मिनट जो है वो जर्नी का काउंट करना चाहिए। होपफुली ट्राम आ तो रही है, अब वो इसी डायरेक्शन में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। अब ट्रेजेडी ये हो गई है कि जब तक मेरी ट्राम आई तब तक मेरा टिकट एक्सपायर्ड हो गया, और एक्सपायर्ड टिकट पे मैं यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता। ये लोग शायद 200-300 PLN का फाइन मारेंगे अगर पकड़ लिया तो। तो बेस्ट वे यही है कि मैं वॉक करके चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान भी रखना पड़ता है कि अगर आपका जर्नी कट टू कट 20 मिनट है तो बेटर है आप उससे जो ज़्यादा टाइम का टिकट है वो ही ले। जैसे 20 मिनट के बाद 1 आवर है, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप 1 आवर वाला टिकट लें। मेरे पास एग्जैक्टली 8 मिनट थे और 8 मिनट तक भी ट्राम नहीं आया। तो अब मैं अपनी बिल्डिंग में आ चुका हूँ, घर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं पूरा बिल्डिंग। चलो दोस्तों अब मैं भी घर आ गया हूँ, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करना मत भूलना। और या अभी नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएंगे वो शॉपिंग मॉल रिलेटेड नहीं होंगे, जो भी होंगे या तो यहाँ के कोई फेमस प्लेसेस अगर मैं विजिट करूँगा तो वहाँ के वीडियो डालूंगा, या फिर कोई नेचर रिलेटेड वीडियो होंगे तो वही डालूंगा, या फिर यहाँ के कल्चर से रिलेटेड कोई वीडियो होगा वो मैं डाल दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।